नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हरसू ब्रह्म धाम, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध धाम है। और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये क्यों आते हैं हम आपको आगे चलकर बताएंगे, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं दुकानें लगी हैं, यहाँ पर आप पूजा सामग्री के सामान लेकर धाम पर जाकर चढ़ा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा शालिवाहन, बहुत बड़े राजा थे और यहाँ पर उनका किला था। हालांकि आज के डेट में यहाँ पर किला जो है अब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी उनके जो भग्नावशेष है पूरे हरसू ब्रह्म धाम के आसपास पूरे बिखरे पड़े हुए हैं। और जो हरसू ब्रह्म थे वो राजा शालिवाहन के यहाँ ही रहकर काम करते थे। यहाँ पर मंदिर भी है, देख सकते हैं आप। तो चल रहे हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं हरसू ब्रह्म धाम। यहाँ पर जिन लोगों को भूत प्रेत जैसी बाधाएं होती है, लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने पर लोग ऐसा कहते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाती है और उनका कल्याण होता है। इसीलिए ये जो जगह है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। जिनको भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति पाना होता है वो लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। नवरात्र के दिनों में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, देश के कोने कोने से नहीं बल्कि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, जिनको भूत प्रेत जैसी बाधाएं होती है वो लोग विदेशों से भी यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह हरसू ब्रह्म धाम का मंदिर, इसी के अंदर हम दोस्तों चलकर आपको दिखाएंगे। ये जो दोस्तों आप मंदिर मेरे सामने देख रहे हैं, ये मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि यहाँ पर पहले एक किला हुआ करता था राजा शालिवाहन का। जब वो किला अपना उनका जब था तो उस समय यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें थी। ये आप उन्हीं में से आप देख सकते हैं, एक मंदिर है, इसमें देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की ये मंदिर है। जो हरसू ब्रह्म बाबा थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बार राजा शालिवाहन से नाराज़ होकर वो अनशन करने लगे और अनशन करते करते ही उन्होंने इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद यहाँ पर राजा शालिवाहन के ही जो उनके घर के लोग थे वो लोग हरसू ब्रह्म बाबा के यहाँ पर मंदिर बना दिए। और मंदिर बनाने के बाद यहाँ से लगभग 50-60 सालों से यहाँ पर लोग आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। और जिनको भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति पाना होता है तो वो लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पर हरसू ब्रह्म बाबा अपने प्राण त्यागे थे। नवरात्र के दिनों में दोस्तों आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत भीड़ रहती है। और आप ये दोस्तों मेरे सामने जो देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर हरसू ब्रह्म बाबा अपने प्राण त्यागे थे। काफ़ी दुर्लभ ये जगह देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप मानो या ना मानो, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसी भी परेशानियाँ आती है कि लोग ऐसे जगहों पर ही आने लगते हैं जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है, जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहाँ पर लोग ऐसी जगहों पर ही आना पसंद करते हैं। हालाँकि कुछ लोगों को ये जानकर थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा, उनको वो मानेंगे भी नहीं इस चीज़ को, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। कभी आप यहाँ पर नवरात्र के महीनों में आइए और यहाँ पर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं, तो आपको भी ये देखकर बहुत ही आश्चर्य होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।